जान है तो जहान है कि इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे हृदय रोग से सुरक्षा। हृदय रोग से सुरक्षा के बारे में मैं इसकी पहली एपिसोड में आपसे उसकी विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ कि अपने जीवन शैली में वो हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, क्या परिवर्तन करें और अपने माइंड का रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। इस श्रृंखला के पार्ट टू में आज हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। और इस ये बात बहुत आवश्यक है कि हार्ट अटैक से मुकम्मल तौर से बचने के लिए जहाँ एक तरफ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड आवश्यक है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें ताकि हम स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। इसमें कुछ वस्तुओं को जो जानकारी है हमें कि इस शब्द का मतलब क्या है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कैसे करते हैं और इसके क्या लाभ हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट बचपन से जमा होते हैं जिसे कुछ लोगों ने माइंड का कचरा भी कहा, उसको कैसे दूर करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपने माइंड में कैसे विकसित करें। तो नेगेटिव थॉट्स को हटाने की प्रोसेस और पॉजिटिव थॉट को डालने की प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया रीप्रोग्रामिंग द माइंड। अब इसके बारे में हम आगे करेंगे चर्चा, उसको कैसे करते हैं। जहाँ तक इसके फायदे की बात है तो ये नेगेटिव थॉट का डायरेक्ट लिंक हमारे हार्ट से, अगर जिस मात्रा में हमारे दिल में, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट होगी उसी मात्रा में हमें स्ट्रेस भी होगा और उसी मात्रा में हमारे हृदय रोग भी होंगे, हार्ट अटैक होने की संभावना होगी। इसके ठीक विपरीत, अगर हमारा मन शांत है, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण है, हम हतोत्साह नहीं हैं, तो हमें शांति मिलेगी, हम प्रसन्न रहेंगे और ऐसे लोगों में हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है। मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि स्ट्रेस से हम लोग अपने आप को कैसे बचाएं, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं अपने पार्ट वन एपिसोड में आपको विस्तृत जानकारी मैं दे चुका हूँ कि हमें ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल को विकसित करना पड़ेगा, जिसमें हमने जोर दिया था कि हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करने की बात मैंने की थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि भोजन पर स्वाद में नहीं ध्यान दें, भोजन में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। इन दोनों बातों की चर्चा मैं पहले एपिसोड में कर चुका हूँ। अब जो थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इन दोनों बातों के अलावा हमको सबसे पहले किसी भी तरह के व्यसन जैसे स्मोकिंग, तंबाकू और एक्सेस ऑफ अल्कोहल से बचना होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे अध्ययन से साबित हो चुका है कि जो लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसमें हार्ट अटैक के रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए इन सब व्यसनों पर लगाना पड़ेगा ताकि आप उसे बच सकें। इसके बाद सबसे ज़रूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना और नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाना। जहाँ तक नकारात्मक दृष्टिकोण का बात है, नकारात्मक विचार की, दृष्टिकोण की बहुत लंबी लिस्ट
सारे नकारात्मक बातों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पर जिक्र करना इतने अल्प समय में संभव नहीं है। मैं दो नेगेटिव थॉट्स की ओर आपका आपको इशारा करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव थॉट हम लोगों के जीवन में है आलस्य और अहंकार। अगर आपने अहंकार और आलस्य को जीत लिया या हटा दिया या कम किया तो ढेर सारे नेगेटिव थॉट स्वतः अपने आप खत्म हो जाएंगे। अहंकार के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत अहंकार हर व्यक्ति में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ज़्यादातर अहंकार होता है हमें अपने ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने पद पर, अपने प्रतिष्ठा पर, अपने रूप पर या अपनी जात पर। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातों पर अहंकार होता है, लेकिन अगर और ये बहुत घातक है। अलंकार अहंकार के बारे में कहा जाता है ये क्रोध की जननी है और ढेर सारे इसके बाद से नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं। तो अगर अहंकार को आपको टैकल करना है तो इसके रूप को, इसके डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। अहंकार के रूप को बदलने के लिए आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि अगर आपको अहंकार करना है तो इस बात पर करें कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और दूसरा, अहंकार की भावना जब भी आप में विकसित हो तो आप इस बात को रियलाइज करें, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने समझाया है कि जो कुछ भी आपके पास है वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, उसमें आपका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्षणिक नहीं है। जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है उस पर अभिमान करना, अहंकार करना ये घातक है। और अहंकार करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि ऐसे लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं और गंभीर गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। दूसरा नेगेटिव थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है आलस्य। आलस्य जीवन में काफ़ी लोगों को, वही किसी को थोड़ी बहुत मात्रा में, किसी को ज़्यादा मात्रा में। आजकल जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हमारी कंफर्ट की सुविधाएं बढ़ी हैं, गाड़ी के रूप में, टैक्सी के रूप में, हवाई जहाज़ के रूप में, टीवी के रूप में, मोबाइल फ़ोन के रूप में, हम लोग में से ज़्यादा लोग आलसी होते गए हैं। और हम लोगों के पास एक्टिव कामों के लिए समय की कमी हो गई है। तो अगर आप आलसी हैं, जो मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत सभी लोग हैं, तो उसको एक्टिव लाइफ स्टाइल में अपने आप को एक्टिव करने की आदत डालिए। एक्टिव करने का एक आसान सा टेक्निक है जो मैं आपको बताऊं कि सभी लोग अपने दैनिक काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सोने जागने का समय, दफ्तर जाने का समय, घर परिवार का समय, समाज का समय, लेकिन एक जो खाली समय बचता है वो लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसमें खाली समय में लोग ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, गप करते हैं या आराम करते हैं, सोते हैं। उसमें ऐसी धारणा है कि अगर आप खाली वक्त को ठीक से आपने मैनेज किया, उसका उपयोग किया, तो आपको उसको बहुत फायदे होंगे और आप व्यस्त रहने की आर्ट को सीख लेंगे। एक विद्वान ने कहा कि व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं रहो। तो खाली समय को उपयोग करने का टेक्निक यह है कि आपके अंदर जो भी हॉबीज है, जिसमें आपकी रुचि है, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक में, संगीत में, पेंटिंग में, खेती बाड़ी में, लिखने पढ़ने में, किसी चीज़ में जो पॉजिटिव चीज़ है, आपको हॉबी है आपकी, आपको अच्छा लगता है, उसके उसको करने के लिए समय निकालें और उसमें एंगेज रहें। इससे आप अच्छी तरह से सारे दिन व्यस्त रहेंगे और अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। जो लोग व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त नहीं हैं, उनमें स्ट्रेस की परसेंटेज, स्ट्रेस की बातें बहुत कम होती। आइए अब शुरुआत करते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें। सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक विचार या दृष्टिकोण है हम अपने आप को प्रसन्न चित रखें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रहें। प्रसन्न चित होने के लिए हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा और मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने का मतलब है कि इच्छाएं हमारे मन में कम से कम होनी चाहिए और
इसके बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो कम से कम खुश रहने का नाटक करना चाहिए। एक विद्वान ने कहा था कि नाटक करते करते कुछ रोज में, कुछ दिन में वैसी आपकी आदतें हो जाएंगी। और खुश रहने के लिए इन शांत चित्त और संतुष्ट रहने के अलावा एक चीज बहुत आवश्यक है कि आपको परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उनसे कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर परमात्मा का आशीर्वाद होना पड़ेगा। एक कवि ने कहा था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है। या तो पागल ही कोई आदमी हमेशा हंस सकता है या जिस पर भगवान की आशीर्वाद है। तो ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए ईश्वर में भरोसा होना, ईश्वर में फेथ होना, प्रार्थना करना, ये इम्पोर्टेंट अंग है। इसके अलावा हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन करें, शांत रखें, संतुष्ट रखें, तो ये कला अपने आप विकसित हो जाएगी। और हंसते समय, मुस्कुराते समय एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि खुद पर हंसें, औरों पर नहीं हंसें। खुद पर हंसना हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदे हैं। और दूसरों पर हंसने के बजाय दूसरों के साथ हंसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रसन्न चित्त मन रहने के बाद दूसरी आवश्यक है कड़ी कि वर्तमान में जीने की कला को विकसित करें। ये सीखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। एक विद्वान ने कहा था कि स्ट्रेस के जो कारण है, तनाव के जो कारण है, उसका मुख्य कारण है अतीत से बेहद लगाव, वर्तमान से असंतुष्टि और भविष्य की चिंता। इसमें इसका उपचार भी है। अतीत की चिंता छोड़ दें, जो बातें बीत गई हैं उनको याद करके दिल को दुखाने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में जिए, और भविष्य को किसने देखा है, भविष्य जो भी लेके आएगा, जो भी भविष्य के, कोरोना के बारे में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन जब आया अपना कोरोना तो उसका मुकाबला भी किया और उससे आगे भी हम लोग निकले। वर्तमान को प्रेजेंट डे भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसका मतलब होता उपहार। जो आज का दिन है वो परमात्मा को उपहार है, उपहार समझ के, उनका प्रसाद समझ के उसका आनंद लें और एक एक क्षण जिएं। और आज ही के दिन से अगले भविष्य, आज के गर्व से भविष्य का निर्माण होगा। अगर आज अच्छा गुजरा तो आप मान के चलें कि आने वाला दिन भी काफ़ी खुश होगा। इसके ठीक विपरीत, अगर आप उदास रहते हैं, हतोत्साह रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो आपको ढेर सारी बीमारियां होंगी। आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो देखा गया है प्रायः ये लोग गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं, हार्ट अटैक इनमें कम से कम होती। अब आइए स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं सकारात्मक सोच के बाद कुछ टेक्निक के बारे में जिक्र करूं। कौन से ऐसी टेक्निक हम लोग सीखें ताकि स्ट्रेस की मात्रा कम हो, स्ट्रेस का मुकाबला हम कर सकें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपको प्रैक्टिस सीखना होगा और उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, वो है लर्न टू रिलैक्स। कैसे विश्राम करें, विश्रांति भी कहा जाता है। जैसे चूंकि स्ट्रेस हम काम करते हैं तो स्ट्रेस हम लोग अर्न करते हैं, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए हमको आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन सीखना होगा और उसका अभ्यास करना पड़ेगा नियमित। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी योग में बताई गई है। पहली कड़ी है योग निद्रा और दूसरी है मेडिटेशन। अगर आप दोनों का अभ्यास करते हैं तो अच्छी, नहीं तो कोई एक भी अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विश्रांति मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। योग निद्रा शब्द से लगता है कि ये एक सोने की क्रिया है। योग निद्रा और नींद में एक बुनियादी फर्क है। जब हम लोग नींद में सोते हैं तो हम लोग शारीरिक रूप से आराम तो मिलता है, मगर हमारे में ज़्यादातर लोग सपने देखा करते हैं, ड्रीमिंग स्टेज से अपना गुजरते हैं, जो कभी कभी भयानक सपने भी देखते हैं जो स्ट्रेस का कारण है। वो मानसिक रिलैक्सेशन हमारी नींद से नहीं होता है। लेकिन आप अगर रोज आधे घंटे का अभ्यास योग निद्रा का करते हैं तो आपको मानसिक
आराम विश्राम और शारीरिक विश्राम दोनों मिलेगा और इसमें स्ट्रेस के लेवल में काफ़ी कमी आएगी। मेडिटेशन के बारे में सारी दुनिया ने, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने विकसित देश के लिटरेचर, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिटरेचर में उन लोगों ने कबूल किया है कि मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल टू फाइट स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बारे में मैं एक चीज़ और आपको रिपीट करूं कि जब मैं पहले एपिसोड में रिस्क फैक्टर की बात कर रहा था हार्ट अटैक के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर था स्ट्रेस। और स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आप एक टेक्निक का नाम बताएं, एंड दैट आंसर इज मेडिटेशन। मेडिटेशन सीखें और मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन का अभ्यास आप 10-15 मिनट, आधे घंटे भी आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने के ढेर सारी विधियां आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, जो सूट करे, या किसी स्किल्ड आदमी से भी सीख सकते हैं, आप इसका अभ्यास करें, आप इसको बहुत लाभ मिलेगा। मेडिटेशन का फायदा है कि इसको दूसरे शब्दों में, हमारे पश्चिम के देशों ने इसको दूसरे शब्दों से पुकारा है, DRT, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इससे पूरी शारीरिक मानसिक विश्राम मिलता है और ऐसे लोग जो नियमित अभ्यास करते हैं उसमें गंभीर बीमारियां भी कम होती है। और तो और, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स, उसमें भी जो अनुसंधान हुए हैं तो मेडिटेशन के बहुत अच्छे फायदे पाए गए हैं। तो इसीलिए, और मेडिटेशन करने से एक और आपको फायदा मिलेगा, यू विल लर्न हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जीने की कला को ये विकसित कराएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए जो तकनीक की मैंने बात की, उसमें योग निद्रा और मेडिटेशन के जिक्र की, इन दोनों में एक कमी यह है कि इसमें कम से कम आपको आधे घंटे, पौन घंटे की समय देनी पड़ेगी आज के भाग दौड़ की जिंदगी में। और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के अलावा अलग से आधे घंटे के लिए मेडिटेशन का समय निकालना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई शॉर्टकट टेक्निक हो अपने आप को रिलैक्स करने का या मेडिटेशन करने का, तो मैं एक टेक्निक के बारे में जिक्र करूँगा जो 5 मिनट से भी आपको समय लगेगा कम, और इसके लिए अलग से दिन में कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने का समय है जब आप सारे काम से निवृत्त होकर रात में सोने जाते हैं, अपने बेड पर बैठ करके आराम की मुद्रा में, पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं, पीठ को स्ट्रेट सीधी कर लें, आँखें बंद कर लें और सिर्फ अपने आप को अवलोकन करना है। इसको बोलते हैं द टेक्निक ऑफ सेल्फ एनालिसिस और आत्मविश्लेषण। आप आँख बंद करके ये देखने की कोशिश करें, अवलोकन करें कि आज मैं सुबह कितने बजे उठा, अपने दैनिक कार्यों को करने में मैंने कितना समय लगाया, मैंने नाश्ता जो किया क्या मेरे हेल्थ और एज के अनुरूप वो नाश्ता था, अगर मैं डायबिटिक हूँ तो क्या मैंने डायबिटिक के अनुरूप नाश्ता किया या कुछ गलत चीज़ें मैंने खा ली, और इस दिन, और मैं आज दिन में ऑफिस कहाँ कहाँ गया, कितने लोगों से मिला, उनके साथ मेरी कैसी बातचीत रही, मेरा कैसा व्यवहार रहा, मेरा किन्हीं के साथ में ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं किसी से एंगर में आके बात किया, गुस्से में आके बात किया, किसी से मुझे झंझट हो गई, किसी व्यक्ति को मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इसी तरह से सुबह से लेके रात में सोने तक आप अपने आप को अवलोकन करें आपकी एक्टिविटीज़ पर, और नंबर 2 आप कितने लोगों से मिले और आपका व्यवहार कैसा रहा, और उसमें आप देखें कि आपसे कहीं भूल हुई है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर आप किसी पर इरिटेट हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो अपने आप से पूछें क्या कोई और रास्ता नहीं था उस स्थिति से निपटने का, आपको खुद ब खुद अपना जवाब मिल जाएगा। और उस समय संकल्प लें कि मैं इन गलतियों को दोबारा कल नहीं करूँगा। ये भी एक मेडिटेशन का टेक्निक है, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको अलग से कोई भी समय नहीं निकालना है, सोने तो आप हर समय जाते हैं बिस्तर पर, अगर 5 मिनट ये करके आप सोने जाते हैं, और सोने
रेस्ट के पोजीशन में कोई पॉजिटिव थॉट, जैसे किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और अच्छे ड्रीम्स भी आएंगे। और अंत में इस साधना का नाम दिया गया है साक्षी साधना। साक्षी का मतलब देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को अवलोकन करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि इनमें से अगर कुछ बातों को भी आप अपने जीवन में अपनाएं तो स्ट्रेस में के लोड में काफ़ी कमी होगी, आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट अटैक जैसी और गंभीर बीमारियों से भी आप अपने बचे रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ इन बातों को अपने जीवन में धारण करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और मैं अब अगली कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा ये समझाने के लिए, बतलाने के लिए कि हार्ट अटैक होने के बाद इमीडिएट हम क्या करें ताकि हमारी पेशेंट की ज़िंदगी आप बच सके। धन्यवाद।